पुनीत सुपरस्टार को निकालना वाकई में जियो वालों को भारी पड़ने वाला है। आखिर जब पुनीत निकला उसने लाइव भी आया और कहा कि देखो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो जियो सिनेमा ऐप जो है वो अनइंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन अब प्ले स्टोर पर एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली है जिससे ये साबित हो जाता है कि वाकई में भारी पड़ा है जियो वालों को पुनीत को निकालना। ऐसी क्या खबर सामने आ रही है मैं हीना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। तो पुनीत सुपरस्टार की इस हफ्ते एंट्री होगी ये खबरें हर तरफ थी पर ऐसा हुआ नहीं और पुनीत इस शो में वापस नहीं आए। लेकिन अब पुनीत की वजह से क्या वाकई में जियो सिनेमा को झटका लगा है? प्ले स्टोर पर अगर बात की जाए तो जो रेटिंग है जियो की वो ड्रॉप हुई है 4.1 से 2.9 जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉप माना जा सकता है और लोगों ने डिसअपॉइंटमेंट अगर मैं कहूं कि फैंस की डिसअपॉइंटमेंट है जो उन्होंने इस तरीके से जाहिर की है। तो एक बात तो तय है कि पुनीत का जाना हर किसी को बुरा तो लगा था फैंस को खास करके और परसों प्रतीक ने भी ये बात बोली कि इस पुनीत को जो है नहीं निकालना चाहिए था और पुनीत अगर शो में होता तो एंटरटेनमेंट जरूर होता। वही बात जो है अब यहां देखने को मिल रही है और इस बात का दावा खुद पुनीत ने भी किया था कि लोगों ने कहा है कि वो ऐप को अनइंस्टॉल करेंगे। तो क्या इसीलिए जिस तरीके से पुनीत को निकाला गया है ये देखने को मिल रहा है कि फैंस में नाराजगी है? हालांकि मैं इंतजार करूंगी इस हफ्ते की टीआरपी का, हालांकि ओटीटी पे तो टीआरपी खैर आएगी नहीं सॉरी, लेकिन हम देखेंगे कि क्या लोगों में इसका वाकई में क्रेज बढ़ रहा है। पहले वीक की मैं बात करूं तो न्यूट्रल जो है देखने को मिला, कुछ वैसा क्रेज देखने को नहीं मिला जितना हम बिग बॉस से एक्सपेक्ट करते हैं। पर हाँ, जिस दिन पुनीत को एविक किया गया पहले ही दिन, उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल जरूर मचा था। तो आप भी ये सोचते हैं कि जो जियो सिनेमा की आपको झटका लगा है उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि पुनीत को निकाल दिया गया था? आप क्या कहेंगे कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें।